अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। लाहौर में एक सिख जिसका नाम है सरदार दर्शन सिंह, मुसलमानों की अफ्तारियां करवा रहा है। पूरा साल मुसलमानों के लिए लंगर का एहतमाम कर रहा है। कहता है, मैं तो सिख हूं लेकिन बुनियादी तौर पर तो इंसानियत ही पहला मजहब है, इसलिए मैं मुसलमानों को अल्लाह की तौफीक से जो मुझे लंगर मिलता है मैं लंगर करवाता हूँ और रमजान में मुसलमानों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करता हूँ। अब ये है एक सिख की सोच जिसको खिदमत करनी है इंसानियत की। और मुझे दुख ये कि मैं जिस माशरे में और जिस एनवायरनमेंट में पला बड़ा, मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ कि जिसने मुझे यह सोचने पे मजबूर कर दिया, कहीं ये सिख लोगों की खिदमत में मुझसे आगे तो नहीं। हुआ यूं कि मैं सऊदी अरेबिया में था, ये बात है 2007-08 की, और उस वक्त जाहिर है मेरी उम्र कुछ 20-22 साल की उम्र थी। तो हुआ यूं कि हमारे कफील का था एक कॉफी शॉप, और उस वक्त वो जो भी कोई नई चीज मेन्यू में ऐड करवाता था वो पहले अपने आमिलों से, जो उसके मुलाजिम होते थे, उनसे चेक करवा लेता था। और उसमें यानी उसके मुलाजमों में मैं एक पाकिस्तानी था, एक इंडियन था, और दो बांग्लादेशी थे, और चार नेपाली लोग थे जो कि कट्टर हिंदू लोग होते हैं। यानी सही तरह हिंदू वही लोग होते हैं, क्योंकि नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जो हिंदू स्टेट है। और मेरी जो रिहाइश थी वो उन्हीं चार हिंदुओं के साथ थी। उनमें से उनका नाम था लोखन, लुकेश, छोटू, और एक का उन्होंने नाम मुसलमानों वाला ही रखा हुआ था उधर चेंज करके, इब्राहिम उसको कहते थे। खैर, वो चार लोग थे, इनके साथ ही मेरा वक्त गुजरता था। वो हराम फूड जो भी होता था वो सारा कुछ खाते थे, मैं हलाल खाता था। मैं किचन नहीं इस्तेमाल करता था क्योंकि वो लोग करते थे, और जो भी पैक्ड फूड होता था मैं उनके साथ शेयर करता था। बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था कि एक दिन मेरा कफील कहता है कि घर से खीर नुमा डिश बनवा के लाया और सबको बुला लिया, कहता है चेक करो ये मेन्यू में ऐड करनी है, बताओ कैसा टेस्ट है। सब खाने लगे एक ही बाउल से, जो सऊदीया में रहते हैं उनको तो पता है कि वहां पर सुफरा लगा के सारा खाना उधर ही डालते हैं, सब खाते हैं। तो मैंने ना खाया, तो मेरा कफील मुझसे कहने लगा कि लेन तम्मा अकल, तुम क्यों नहीं खाते। मैंने कहा कि उसमें हिंदू खा रहे, मैं कैसे खाऊं। वो मुझे जनाब अपने दफ्तर ले गया, उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की अरबी में, समझ मुझे कम ही आई, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि मुझे मैंने कुछ गलत कर दिया। खैर, वो वापस आया मुझे बेइज्जती बुस्ती करके, उसने खुद उसमें से नवाला लिया, फिर मुझे कहा अब तुम भी खाओ। तो मैंने खाया, अब वो नवाला मैंने ले तो लिया, अटक गया इधर। अब वो बात खटक रही है, मैं तो अब नापाक हो गया हूं, मैंने तो हिंदुओं के साथ खाना खा लिया। दो साल मैं उधर रहा, उसके बाद मैं वापस आया, आते साथ पहला काम मैं जो है मौलाना साहब के पास गया कि मैंने ये काम किया था, ये दुरुस्त है या गलत है। शुक्र है कि वो मौलाना साहब जो है वो साहिब इल्म थे, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, हलाल फूड है, हलाल खाना आप खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जिस माशरे में पला बड़ा उस माशरे में हुआ ये कि उसने मुझे तफरीक सिखाई, उसने मुझे बताया कि तुम अच्छा काम चाहे मेरे उनसे भी बुरे हैं, दुनिया में मैं चाहे उनसे भी बुरे काम कर, लेकिन उसके साथ खाना खाने से पलीत मैं हो जाऊंगा। आप हिसाब लगाएं हमारी साइकी और सोच जो डेवलप की जाती है या इस माशरे के अंदर बन जाती है, और यहाँ पे वो सिख होते हुए मुसलमानों को लंगर करवा रहा है, जाहिर है कि इसका अजर फिर वो मांग रहा है अपने रब से, जो कि यकीनन झूठा रब है, पर उसका अकीदा चेक करें। और हम यहाँ पे अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की मखलूक के साथ क्या करते हैं। कभी किसी ने देखा है कि हमने 25 दिसंबर आ जाए तो किसी ईसाई को हमने कोई गिफ्ट दे दिया हो, हम कभी भी नहीं कतराते हैं, कम्युनिकेट ही नहीं करते। ईसाई के साथ खाना खा लिया हो, नहीं हम नहीं खाते। ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिबेटेबल भी हैं, और इसमें मुख्तलिफ मजहबी आरा भी लोगों की हो सकती हैं, किसी के दिल आजारी मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं इस सिख के एक्ट को सराहना चाहता हूँ। और इस तरह की यानी मोहब्बत की जो ज़र्ब है वो नफ़रत की तकसीम से बड़ी होती है, तो हमें मोहब्बत की ज़र्ब लगानी।